हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। सफदरजंग अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर नुक्कड़ नाटक के जरिए डॉक्टर्स ने कैंसर को लेकर किया जागरूक। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार करवाने आ रहे मरीज कैंसर को लेकर स्क्रीनिंग करवा सकेंगे। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल की ओपीडी परिसर में स्क्रीनिंग काउंटर खोला गया है। यह अन्य आवश्यक जांच भी कराई जा सकेगी। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के दिन से ही 8 फरवरी तक हर रोज अलग अलग जगहों पर कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटक के जरिए कैंसर के बारे में जानकारियां भी दी गई हैं। बता दें कि सफदरजंग के ओपीडी में देश भर में से प्रतिदिन करीब 10,000 मरीज आते हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सफदरजंग अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को अलग अलग कैंसर के बारे में जानकारियां दी गई। वहां नुक्कड़ नाटक देख रहे अन्य मरीजों को भी बताया कि यदि आप कैंसर का पता चलता है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसका उपचार संभव है। यदि खुद को मजबूत रखकर इलाज करवाते हैं तो जल्द ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कौशल कालरा ने सोमवार की सुबह बताया कि सफदरजंग में आने वाले मरीज की स्क्रीनिंग के लिए काउंटर खोला गया है। यहां ब्रेस्ट कैंसर सहित अन्य कैंसर के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। यदि किसी मरीज को लगता है कि उन्हें कैंसर हो सकता है तो वह यहां जांच करवा सकता है। ये स्क्रीनिंग के दौरान बीपी शुगर सहित अन्य सामान्य व जरूरी जांच भी की जाएंगी। इसके अलावा 8 फरवरी तक चलने वाले अभियान में रोज सुबह मरीजों को कैंसर के बचाव के लिए भी जानकारी दी जाएगी। हाँ, 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस था, तो हमारे यहाँ विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में कैंसर जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 तारीख से 8 तारीख तक किया जाएगा। तो हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आपने देखा भी, हमने नुक्कड़ नाटक किया, पहला नुक्कड़ नाटक करेंगे। दूसरा, ये बराबर 3 दिन होगा। आज हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने नुक्कड़ नाटक परफॉर्मेंस दिया, 2 जगह दिया, एक ओपीडी ब्लॉक में, एक न्यू इमरजेंसी के सामने। इसी तरह कल भी होगा, कल नर्सिंग स्टूडेंट्स देंगे और परसों सीनियर रेजिडेंट देंगे। तो 3 दिन नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम है। एक कैंसर रजिस्ट्रेशन काउंटर हमने स्टार्ट किया, कैंसर रजिस्ट्री चालू की है, उसका हमने शनिवार से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी 3 दिन, ये 4 दिन चलेगा, ये भी बुधवार तक चलेगा, 8 तारीख तक ये भी चलेगा। उसके अलावा कल हम एक कैंसर जागरूकता के लिए कैंसर अवेयरनेस वॉक, एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें रैली निकाली जाएगी। ये रैली जो है ओपीडी बिल्डिंग से लेकर पूरा ग्राउंड लगा के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक तक जाएगी। उसके बाद एक स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है पूरे स्टाफ के लिए, वो कल 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो भी हमारे सफदरजंग में स्टाफ है उन सबके लिए स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, वो 15 नंबर 105 में, तो सब स्टाफ को किया जाएगा। उसके बाद कैंसर अवेयरनेस टॉक है कल 3 से 4 बजे स्टाफ के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कल था। इसके अलावा डेली हम 1 घंटा पब्लिक कनेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक कनेक्ट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कैंसर। पब्लिक से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कैंसर के लिए, जो उनके मन में जो भ्रांतियाँ हैं, जो गलत धारणाएँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सही जानकारी दे रहे हैं, ज़्यादा जागरूक बना रहे हैं, जिससे जो पार्टिसिपेशन है कैंसर रजिस्ट्रेशन का हमारा दिन डेली बढ़ रहा है और पब्लिक उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। नाम डॉक्टर आशीष कुमार है। मैं आप सभी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि सिगरेट, शराब, धूम्रपान, इन सब से दूर रहें, और अगर कैंसर का कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो कृपया अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इसकी जांच कराएं। बहुत सारे कैंसर्स को हम हरा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका जल्दी से जल्दी निदान कर पाएँ। अरे, कुछ लोगों में कैंसर के नाम से डर पैदा हो जाता है, जहाँ पे लोगों ने लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं उन सभी के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि कैंसर से आप घबराएं नहीं, कैंसर होना आपके हाथ में नहीं है काफ़ी हद तक, लेकिन कैंसर का उपचार आपके हाथ में है। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़े। हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए सबको अवेयरनेस देना चाहते हैं, जागरूकता प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कैंसर से हारना नहीं है, हमें उसे हराना है। हर कैंसर की जांच करानी है, चाहे स्तन का कैंसर, लिवर का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वैक्सीन लगवानी है और जांच करानी है। इससे हम हर कैंसर को हरा सकते हैं और उसके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर भूमिका गुप्ता हूँ मैं, यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करती हूँ।
और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका पूरा इलाज हर अस्पताल में आज के तारीख में मौजूद है, सफदरजंग अस्पताल हो चाहे कोई और सरकारी अस्पताल हो। बस आपको जागरूक रहना है, आपको अपनी जांच समय पे करानी है। इसी मकसद से हम ये हफ़्ता यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके दौरान हमने कई सारे कॉम्पिटिशन रखे हैं जिसमें हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे जो MBBS कर रहे हैं उन सबको हमने भाग लेने का मौका दिया है। और इसी तरह हम लोगों से भी यही अनुरोध करते हैं कि इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं। हमने जो एक कैंसर रजिस्ट्री, एक कैंसर स्क्रीनिंग जारी किया है, शुरू किया है एक काउंटर, उस पर आएँ, अपने आप को रजिस्टर करें जिससे हम उनका स्क्रीनिंग कर सकें, समय पे कैंसर की जांच करवा सकें।